हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डेट 11 अप्रैल 2024, स्क्रिप्ट कोड 542655, एनएससी सिंबल विकास लाइफ। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, वेबसाइट का नाम है bscindia.com, वहाँ से लिया गया है। बट फर्स्ट में दिख रहा होगा विकास लाइफ केयर लिमिटेड, शेयर प्राइस ऐसा करके, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 745 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड March 31, 2024। डियर सर मैडम, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज डिमटेरियलाइज एंड रीमटेरियलाइज ड्यूरिंग द अफर्सड पीरियड एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 745 ऑफ द सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 हैव बीन फर्निश्ड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ विकास लाइफ केयर लिमिटेड आर लिस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू टैग द इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड। इसका हिंदी में रूपांतर है, यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स विनियम 2018 के विनियमन 74(5) के तहत आवश्यक उपरोक्त अवधि के दौरान डी मटेरियलाइज्ड और री मटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों का विवरण उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है जहां विकास लाइफ केयर के शेयर है, यानी कि जिस स्टॉक एक्सचेंज में विकास लाइफ केयर लिस्टेड है उस सभी को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि सूचना दे दिया गया है। अब देखते हैं सेकेंड पेज पर, जैसा कि दिख रहा होगा बिग शेयर सर्विस से प्राइवेट लिमिटेड, किससे संबंधित है, तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड से संबंधित है। ठीक, सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 745 ऑफ द सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड 31 मार्च 2024। रेफरेंस नंबर इस तरीके से है, डियर सर मैडम, इन रिफरेंस टू द अबव कैप्शनेड रेगुलेशन वी हेयर बाय कन्फर्म दैट नो डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/2024 टू 31/3/2024। मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इसका मतलब मुझे जैसा कि समझ में आया है, डीमटेरियलाइजेशन संबंधित वस्तुओं का किसी भी प्रकार का अनुरोध किसी भी शेयर धारक से इस कंपनी को नहीं मिला है। कब से कब तक? तो 1/1/2024 से 31/3/2024, यानी कि ये लास्ट क्वार्टर। बस ये खास न्यूज है विकास लाइफ केयर लिमिटेड में। आगे थोड़ा इसके बारे में जानकारी करते हैं, क्या चल रहा है विकास लाइफ केयर लिमिटेड में। और विकास लाइफ केयर लिमिटेड जिसका कि मार्केट कैप 887 करोड़ का हो चुका है करेंट में,
और करंट प्राइस 5 रुपया 20 पैसा, बुक वैल्यू 2 रुपया 45 पैसा, अपने बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है, दोगुना से ऊपर में। पावन बिक का हाई लो 8 रुपया और 2 रुपया 66 पैसा, फेस वैल्यू 1 रुपया है, आरओसी आरओई माइनस में है। वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय हो सकता है कंसोलिडेट करें, लेकिन सामने क्वार्टर जो एंड हुआ है 31 मार्च 2024, इसका रिजल्ट आने वाला है, तो इसके वजह से ये भी हो सकता है कि इसमें अप ट्रेंड बने। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया यानी कि प्रॉफिटेबल आया तो, प्रॉफिट में आएगा तो। इस कंपनी में प्रोज और कॉन्स दोनों बराबर है। प्रोज, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्टर डेज इम्प्रूव हुआ है 176 दिन से 130 दिन, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिड्यूस्ड हुआ है 178 दिन से 101 दिन। और कॉन्स भी 3 है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग लो है उसके बारे में, और तीसरा है प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग से ही संबंधित है, लास्ट 3 सालों में -8.69%, यानी कि 8.69% घट गया है। ये क्वार्टरली रिजल्ट है जो कि लास्ट दिसंबर 2023 का ही अपडेट है। इसमें अर्निंग पर शेयर माइनस में आया, कारण नेट प्रॉफिट ही माइनस में है, जो कि 3,87,00,000 का था माइनस में। बैलेंस शीट पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल सितंबर 2023 का ही अपडेट है, जो कि 144 करोड़ का है इक्विटी कैपिटल, और रिजर्व इसके पास में 208 करोड़ का है, ब्रोइंग 26 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और फिक्स एसेट इसके पास में 57 करोड़ का है, जो कि एक समय मार्च 2021 में मात्र 12 करोड़ का होया करता था। इन्वेस्टमेंट जो कि 3 करोड़ का था मार्च 2021 में, वो बढ़ करके अभी 89 करोड़ का हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ कर रही है ये कंपनी। मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अदर एसेट इसके पास में 133 करोड़ का होता था, जो कि आज 310 करोड़ का हो चुका है। टोटल एसेट में भी काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है, लगभग 3 गुना, जो कि 149 करोड़ का था पहले, अभी के समय में 457 करोड़ का हो चुका है। वो भी कब का है, तो सितंबर 2023 का ही है, आगे का अपडेट नहीं है अभी। नेट कैश फ्लो प्लस में है 2 करोड़ का मार्च 2023 के अनुसार। शेयर होल्डिंग पैटर्न अप्रैल 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में थोड़ा सा घटा है मार्च 2024 के अपेक्षा, जो कि घट करके अब रह गया है 11.38% का। FIs के पास में भी थोड़ा सा घटा है पॉइंट में, 10.49% का अब रह गया है। गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास में थोड़ा सा बढ़ा है 78.12% का हो चुका है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पर ध्यान देंगे तो इसमें मार्च जो 2024 की अपेक्षा अप्रैल 2024 में मात्र और मात्र 1 शेयर होल्डर्स की बढ़ोतरी हुई है। अब इस शेयर के बारे में थोड़ा सा nseindia.com पर देखते हैं। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 5 रुपया 20 पैसा, ऑर्डर के मामले में अभी भी सेल क्वांटिटी लगा हुआ है, 390 क्वांटिटी है 5 रुपया 20 पैसा पे। बल्क डीलिंग जैसा कि कुछ भी नहीं है पिछले ट्रेडिंग डे में।
मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब देखते हैं, BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, उस पर विकास लाइफ केयर लिमिटेड का शेयर प्राइस सेम ही है, 5 रुपया 20 पैसा, 52 वीक का हाई लो इस पर 7 रुपया 92 पैसा और लो है 2 रुपया 66 पैसा। यहाँ पर न्यूज सेम है, कुछ अलग तरह का न्यूज नहीं है, 11/4/2024 का ही है, कॉरपोरेट एक्शन में पुराना ही है और बल्क डीलिंग में 23/1/2024 ये भी पुराना ही है। रिजल्ट पहले ही बता चुका हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें March 2024 प्रमोटर के पास में 11.39% का है और पब्लिक के पास में 88.61%, यानी कि DIH और FIH दोनों मिला करके पब्लिक को शो किया गया है। इस शेयर में डिलीवरी पोजीशन ट्रेड डेट 10/04/2024 16:00 बजे, क्वांटिटी ट्रेडेड 375,646 और डिलीवरी में लिया गया 375,646, 100% का डिलीवरी रहा इस शेयर में, काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है BSEIndia.com पे पिछले ट्रेडिंग डे में। हाँ तो दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड सारांश, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर में अभी तक जो भी है अपडेट न्यूज उसके अनुसार पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार सूझबूझ के अनुसार ही करना चाहिए। मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अभी तक का इस शेयर में अपडेट के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी खामियां अभी तक तो नहीं है, बट रिजल्ट का इंतज़ार है। ये क्वार्टरली रिजल्ट यानी March 2024 का जो रिजल्ट आने वाला है इसका इंतज़ार है, बस इसी रिजल्ट के अनुसार शेयर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा ये तो अभी पता नहीं, बट बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इसी पर इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।